नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूं रीवा के उस सेंटर में जिसको अगर उत्कृष्ट सेंटर कहा जाए, एक उदाहरण के बतौर अगर प्रस्तुत किया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। रीवा में 10 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुके हैं। अगर रीवा की बात की जाए तो इस सेंटर का लगभग 1 लाख के आसपास आंकड़ा पहुँच रहा है। 80,000 से ऊपर का आंकड़ा है, अभी स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता 1 लाख के आसपास का आंकड़ा। आज हम इसी सेंटर में मौजूद है, इस सेंटर में तहकीकात करेंगे कहां पर किस तरीके से ये लोग लगातार पिछले 4 महीने से काम कर रहे हैं। हमारे साथ महेश जी मौजूद है। महेश जी, ये बताइए, ये जिस जगह पर हम लोग खड़े इस सेंटर में क्या होता है? सबसे पहले इस सेंटर के बारे में आप बताइए। यहाँ पे जो वैक्सीनेशन करवाने के बाद जिनको प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, उसका जो प्रमाण निकलता है उसकी एक प्रिंट कॉपी हम लोग निकलवाते हैं, हम लोगों को उपलब्ध करवा देते हैं। ये एक बड़ी बात यहाँ पर कि आधार और इन सब के बाद इंजेक्शन के बाद जिस तरीके से अब कि लोगों को प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है वो प्रमाण पत्र देते हैं। अब हम अंदर की तरफ अपन सफर तय करते हैं कि एक जगह पर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा। इस जगह पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, क्या नाम है आपका और यहाँ पर आप क्या कर रही हैं? कितने दिन से आप ये काम कर रही हैं? 3 महीने हो गए। कैसा लग रहा है समाज सेवा करते हुए? समाज सेवा का एक उदाहरण ये भी है, 3 महीने से यहाँ पर बैठ के वैक्सीनेशन कराने वालों का रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, साथ ही यहाँ पर इंजेक्शन भी लगाए जा रहे हैं, कोवैक्सीन के इंजेक्शन आप लगा रहे हैं। क्या नाम है आपको और कब से कर रही है काम? फरवरी से। लगभग कितने लोगों को अभी तक आप इंजेक्शन लगा चुकी होंगी? फरवरी से ये काम यहाँ पर कर रही है। इनका कहना है हर व्यक्ति को हम कोवैक्सीनेशन यहाँ पर करते हैं कोरोना से बचाव के तरीके। अंदर की तरफ का सफर भी अब हम तय कर रहे हैं। ये सिंधु भवन का एक बड़ा हाल है, काफी बड़ा हाल है यहाँ पर। जिस तरीके से वैक्सीनेशन के पिछले काफी अर्से के बाद जिस तरीके से यहाँ पर एक भीड़ वाला नजारा आपको दिखाई दे रहा होगा, आपके टीवी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, जिस तरीके से लोग यहाँ पर लगातार वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं लंबी लंबी कतारों में। कोरोना से बचाव का सिंगल एकमात्र उपाय यहाँ पर लोगों को अपने को वैक्सीनेशन कराना। हम कोशिश करेंगे कुछ लोग से बात करें। ये बताइए, वैक्सीनेशन के लिए आप नहीं हैं लंबी कतार में, तो क्या वैक्सीनेशन जरूरी है? क्या नाम है आपका बताइए? जरूरी है वैक्सीनेशन कराना है, वैक्सीनेशन कराना है, वैक्सीनेशन जरूरी है। यहाँ पर लगातार जिस तरीके से पिछले 4-5 महीने में यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा, हम कोशिश करेंगे कुछ लोग और लोगों से भी बात करें। क्या जरूरी है? अभी तक पूरे परिवार ने लगा लिया कि आज पूरा परिवार आया? परिवार ने लगा लिया। और कोई बोलेगा? यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए लगातार लोग मौजूद हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस जगह पर वैक्सीनेशन हो रहा, कोविशील्ड के यहाँ पर इंजेक्शन लगवाए जा रहे हैं, लोग अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। बारी आने पर एक एक करके यहाँ पर सबको वैक्सीनेशन किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर इस पूरे सिंधु भवन के अध्यक्ष सरदार प्रहलाद सिंह जी भी मौजूद हैं। जिस तरीके से यहाँ पर पिछले लंबे अरसे से वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है, आपने जिस तरीके से यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम कराया और आज आप 1 लाख के आसपास आप लोग पहुँच रहे हैं, तो ये समाज सेवा का जज्बा कब तक? इसकी कोई सीमा थोड़ी है जज्बे की, तो ये तो एक भी नशा है, समाज सेवा का भी शख्स की तरह नशा है, तो वो तो करना ही करना है, शासन को सहयोग करना है। सिर्फ शासन अपने बलबूते पे नहीं करता, वो समाज से सहयोग जाता है और उसी रूप में हम लोग का धर्म है, कर्तव्य है कि हम शासन को सहयोग करें, आम जनमानस को सहयोग करें और जिससे कि वैक्सीनेशन का प्रोग्राम अच्छे ढंग से चलता रहे, जिससे हम लोग अपने कोरोना से बचा सके, ये हम सबका लक्ष्य है, अभिलाषा है। लगातार यहाँ जिस तरीके से कोवैक्सीन और कोविशील्ड के इंजेक्शन आपने दोनों इंजेक्शन उपलब्ध कराए और लगातार पिछले 4 महीने भीड़ वाला नज़ारा है, लोगों की भीड़ खत्म नहीं हुई, क्या उत्साह ज़्यादा दिख गया है या लोगों में जागरूकता का अभाव? मेरी उत्साह है, पहले थोड़ा लगा कि जागरूकता में कमी है, लेकिन नहीं, अब परिवर्तन आ गया है, कल लोगों में जागरूकता आ गई है, अवेयरनेस आ गई है कि नहीं, अगर उनको कोरोना से बचना है
तो ये वैक्सीनेशन ज़रूरी है और वो जागरूकता आ गई है। लोग अपने स्वयं ही आ रहे हैं और किसी को एक डोज लग चुका है, किसी को दोनों डोज लग चुके हैं और लोग बहुत सक्रिय हैं और अपने शहर किसी अब कहने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। अब किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लोग अपने से आ रहे हैं। शुरू में हालांकि जागरूकता का अभाव था, धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। महेश जी, मेरा एक अंतिम सवाल, वैक्सीनेशन का काम कब तक चलेगा? भाई साहब, ये तो अप्रैल से चालू ही है, अनवरत चालू है और रीवा का ये बहुत पॉपुलर सेंटर हो चुका है। मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, पर लगभग सितंबर अक्टूबर तक तो जब तक रीवा वालों को कोरोना वैक्सीन की ज़रूरत होगी।